इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आ रही है, जहां पुलिस ने एक प्रेमी को पकड़ा है। प्रेमी सुरेश प्रसाद साकेत ने अपनी ही प्रेमिका को पहले जहर खिलाकर मार दिया। उसके बाद प्रेमिका की पहचान छुपाने के लिए प्रेमिका के चेहरे के ऊपर पत्थर से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिससे मृतक प्रेमिका की पहचान न हो सकी। फिलहाल सिंगरौली पुलिस ने आरोपी सुरेश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 2 माह पूर्व माड़ा थाना अंतर्गत बरधौरा से अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं जाति के बाद हत्या कर किशोरी की शव बहरी थाना क्षेत्र की एक नदी में फेंक देने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। घटनाक्रम का खुलासा करते हुए SP अभिजीत रंजन ने बताया कि मृतका अनीता साकेत 17 वर्ष का अपहरण 22 मई को हो गया था, जिसमें परिजनों के रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर जारी तलाश के बीच ही बहरी थाना क्षेत्र के आमाडी जंगल में युवती का कंकाल पाया गया था, जिसकी शिनाख्त होने पर आरोपी सुरेश साकेत के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। SP श्री रंजन ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी सुरेश ने अनीता से पीछा छुड़ाने गुमराह कर आमाडी जंगल ले गया और खाने में चूहा मार दवा मिला के खिलाया। अचेत होने पर सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी। DN राज TI माड़ा के प्रयास से घटना का खुलासा हो सका एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला यूं है कि 4 मई 2019 को एक मंधौरा गांव के एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो अभी वर्तमान में आजी साहब के मार्गदर्शन में हमारे माध्यम से गुमशुदा लड़कियों को दस्तयाब करने, उसमें जो संदेही लोग हैं उनके बारे में पता लगाने का प्रयास जो है लगातार चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस मामले में हमें संदेही का पता चला, संदेही का नाम सामने आया तो फिर हमने प्रेशर डाल करके परिवार वालों से बात करके संदेही को हमने बुलवाया, उससे पूछताछ शुरू की तो थोड़ी सख्ती बरतने पे उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लड़की उसी के साथ में थी, उसी के साथ गई थी, लेकिन जीवन यापन करने में, भरण पोषण करने में जो राशि चाहिए उसका उपार्जन उनके द्वारा नहीं हो रहा था। इसी क्रम में लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए उसने लड़की की हत्या कर दी। ये कहाँ कहाँ सर गए इस दौरान? प्राथमिक रूप से जब हमें पूछताछ में पता चला है कि लड़की के साथ वो लखनऊ में रह रहे थे और वो लखनऊ में काफ़ी टाइम रहे और वहीं से फिर वापस लौटे हैं वो, और वापस लौट करके उसने बहरी थाना अंतर्गत अमाडी गांव में पहाड़ी के निर्जन स्थान पर जो है उसने लड़की की हत्या कर।